कॉमर्स वेबसाइट पर विक्रेता बनकर करते थे ठगी। दो ठग गिरफ्तार, 4 मोबाइल 13 सिम कार्ड बरामद। दिल्ली के बाहरी जिला साइबर पुलिस की टीम ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं के थोक विक्रेता बनकर पीड़ितों को धोखा देने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार करते हुए कई मामलों का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 2 डेबिट कार्ड बरामद की है। गिरफ्तार आरोपित व्यक्तियों की पहचान ब्रजेश कुमार निवासी वसुंधरा एनक्लेव न्यू अशोक नगर नई दिल्ली और राजीव कुमार निवासी वसुंधरा एनक्लेव न्यू अशोक नगर नई दिल्ली के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर थोक में सामान और वस्तुओं के विक्रेता के रूप में खुद को पेश करते थे और उसके बाद लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देते थे। दिल्ली बाहरी जिला के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 5 जनवरी को एक शिकायतकर्ता के द्वारा बाहरी जिला सागर पुरुष में मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उसे कुछ डिस्पोजेबल सिरिंज की जरूरत थी, इसलिए उसने इंडियामार्ट.com पर एक ऑनलाइन विजिट किया। अगले दिन ही उन्हें एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने बताया कि उन्हें इंडियामार्ट पर उनकी क्वेरी मिल गई है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके पास सिरिंज है। कथित कॉलर ने उन्हें सर्च में लक्ष्मी, नूर, सीमा मेडिकल एजेंसियों के नाम से तस्वीरें, कीमत और कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी भेजा। 10 लाख रुपए में डील फाइनल हुई। 1,36,000 रुपए अग्रिम उन्होंने भुगतान कर दिया। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 50,000 ऑनलाइन भी भेजे। बाद में शिकायतकर्ता ने पाया कि उसके साथ धोखा हुआ है और कथित मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। इस संबंध में बाहरी जिला साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ACP अरुण कुमार ने इंस्पेक्टर संदीप पवार के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें हेड कांस्टेबल महेंद्र, अनिल, राकेश और कांस्टेबल अनिल को शामिल किया गया। साइबर पुलिस ने जांच करते हुए कथित मोबाइल नंबरों की CDR और IMEI सर्च की गई। लाभार्थी के बैंक खातों से जुड़े ईमेल और ईमेल आईडी से जुड़े मोबाइल नंबरों का विवरण प्राप्त किया गया। गए पैसों का ट्रेलर तैयार किया गया। तकनीकी निगरानी के आधार पर अशोक विहार दिल्ली में 2 व्यक्ति ब्रजेश कुमार और राजू कुमार निवासी वसुंधरा एनक्लेव न्यू अशोक नगर दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। राजू के पास से 7 सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 2 डेबिट कार्ड और अपराध में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड ब्रजेश के पास से बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि ब्रजेश का बड़ा भाई नितेश लगभग 1 साल पहले कुछ जालसाजों के संपर्क में आया। वही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर थोक में वस्तुओं के विक्रेता के रूप में खुद को पेश करके अच्छी कमाई कर रहा था। आगे खुलासा किया कि ब्रजेश और उसके मामा राजू दोनों कारखाने में काम करते थे और पर्याप्त कमाई नहीं कर रहे थे। उन्होंने नितेश से अपने ग्रुप में शामिल करने का अनुरोध किया। करीब 6 महीने पहले उनके कहने पर नितेश ने ब्रजेश और राजू दोनों को अपने जाल में फंसा लिया और अन्य व्यक्तियों के नाम से फर्जी बैंक खाते, फर्जी सिम कार्ड की व्यवस्था की गई और इंडिया मार्ट जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर थोक में समान वस्तुओं के विक्रेता के रूप में खुद को पेश किया और इस तरह से ठगी की घटना को अंजाम देने लगे। फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।